नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटोस्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं साउथ कोरियन ऑटोमोटिव जायंट ह्युंडई से, जिनकी सब्सिडियरी कंपनी ह्युंडई मोटर इंडिया ने अनाउंस किया कि वो भारत में उनके बिजनेस को भी और एक्सपांड करने जा रहे हैं और अगले 10 सालों के अंदर भारत में 32,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सब बेसिकली इन्वेस्टमेंट की बात उनके द्वारा पिछले साल से की जा रही है। इनफैक्ट इसको लेकर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ इन्होंने एमओयू भी साइन कर लिए हैं। 32,000 में से 6,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र के पुणे में की जाएगी, जहाँ पर वो जनरल मोटर्स के तालेगांव प्लांट को एक्सपांड करेंगे। पिछले एक साल पहले इन्होंने इस प्लांट को एक्वायर कर लिया था जनरल मोटर्स से, और अब इस इन्वेस्टमेंट के चलते उस प्लांट को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो रिमॉडल तो करेंगे। साथ साथ उसकी कैपेसिटी 30% से और बढ़ा दी जाएगी। अभी 8 लाख के आसपास कार्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जा सकती है एनुअली, और ये बढ़कर 11 लाख के आसपास हो जाएगी आगे चलकर। रिमेनिंग 26,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु के द्वारा की जाएगी, जिसके अंतर्गत सिरप्रमदूर में ईवी बैटरी प्लांट और हाइड्रोजन इनोवेशन हब इनके द्वारा सेटअप की जाएगी, और होपफुली इसके चलते थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स जनरेट करेंगे। अगली दोस्त अपडेट बेंगलोर मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए बीएमआरसीएल और स्टेशंस पर मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन एस्टेब्लिश करने वाला है, और अभी इसके अंतर्गत उन्होंने फेज 3 के 11 स्टेशंस को फाइनलाइज किया है। दोस्तों बेसिकली बीएमआरसीएल बेंगलोर मेट्रो के बहुत सारे रूट्स पर या फिर बहुत सारे स्टेशंस पर मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन एस्टेब्लिश कर चुकी है। फेज 3 में जो दो नए कॉरिडोर्स बनाए जाने हैं, जेपी नगर 4 फेज से कैंपापुरा तक और होसहली से कदमगढ़ के बीच, दोनों के ऊपर टोटल 31 स्टेशन होंगे, और उनमें से अभी यहाँ पर 11 स्टेशन को फाइनलाइज किया गया है, जहाँ पर मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन होगा। और एक बार जब ये रूट तैयार हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको फीडर बसेस ऑपरेट होती दिखाई देंगी। बेंगलुरु मेट्रो के एग्जिस्टिंग रूट्स पर जो फीडर बसेस ऑपरेट हो रही हैं, वहाँ पर लगातार ये कंप्लेंट आ रही थी कि बीएमआरसीएल पार्किंग के लिए प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जब उनको फेज 3 में स्पेसिफिकली करनी चाहिए। अभी क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना है, बीएमआरसीएल ने एक नई पार्किंग पॉलिसी यहाँ पर ड्राफ्ट कर दी है। पब्लिक से सजेशंस भी यहाँ पर इन्वाइट किए गए हैं, जिसके अंतर्गत मेट्रो टर्मिनल्स, इंटरचेंज स्टेशन, मल्टी लेवल पार्किंग, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, ऐसी कुछ चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अभी राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर एरियाज में भी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने वाली है, और इसको लेकर कैबिनेट के द्वारा 2,280 किलोमीटर के बॉर्डर रोड्स को अप्रूवल दे दी गई है। दोस्तों बेसिकली जब से गलवान क्लैश हुआ है, हमारा जो मेजर फोकस रहा है वो LAC के अलॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही रहा है, चाहे फिर वो रोड्स हों, ब्रिजेस हों, टनल्स हों या फिर एयरस्ट्रिप्स हों। पर इंडो पाक बॉर्डर पर भी जरूरी है कि रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि ये बिगड़ा बच्चा अभी तक सुधरा नहीं है। 2,280 किलोमीटर के यहाँ पर जो रोड्स बनाए जाएंगे, उनके ऊपर 4,406 करोड़ रुपीज़ खर्च किए जाएंगे, जिसके चलते हमारे डिफेंस फोर्सेज को तो बेनिफिट हो गई होगा। साथ साथ जो लोग उन बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, वो भी रेस्ट ऑफ इंडिया से बेहतर ढंग से कनेक्ट हो पाएंगे, और इवेंचुअली इनके चलते जो वाइब्रेंट विलेजेस हैं वो भी यहाँ पर डेवलप हो पाएंगे। और क्योंकि उससे यहाँ पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, तो होपफुली आप कह सकते हैं कि अगले 2 से 3 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारे स्मार्टफोन प्रोडक्शन से है, जहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन प्रोडक्शन को लेकर भारत सेल्फ सफिशियंसी की फाइनल स्टेज तक पहुँच चुका है, और अभी जिस हिसाब से यहाँ पर प्रोग्रेस चल रहा है, ये बताया गया है कि ईयर एंड तक इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की पूरी डिमांड लोकली कंप्लीट हो पाएगी। दोस्तों इसका थोड़ा सा अगर मैं आपको बैकग्राउंड समझाऊं, तो भी आप जानते हैं कि हमारा भारत दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, और जिस हिसाब से हम यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, आगे चलकर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में भी आपको भारत की डोमिनेशन देखने को मिलेगी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत के स्मार्टफोन मार्केट की वैल्यू $37 बिलियन के आसपास थी, और उसमें से $930 मिलियन के इम्पोर्ट्स थे, बाकी सब लोकल प्रोडक्शन के थ्रू कम्प्लीट किया गया था। अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो स्मार्टफोन जितने भी हमारे देश में बेचे गए हैं, उसमें से 3% ऐसे थे जो कि इम्पोर्ट किए गए हैं, जबकि वॉल्यूम टर्म्स में ये आंकड़ा 1% के आसपास रहता है। मेन रीजन यहाँ पर एप्पल और गूगल बताया गया है, क्योंकि एप्पल के द्वारा उनके प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स अभी तक भारत में प्रोड्यूस नहीं किए जाते थे। सिमिलरली गूगल के द्वारा भी उनके मोबाइल फोन्स भारत में प्रोड्यूस नहीं किए जाते थे, पर अब इस साल दोनों कंपनीज ने ये प्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। तो जो रिमेनिंग 3% के अभी इम्पोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, वो ईयर एंड तक हम डोमेस्टिकली फुलफिल कर लेंगे, और आगे चलकर भारत को स्मार्टफोन्स के मार्केट में कोई भी इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली दोस्त अपडेट हमारी गिफ्ट सिटी से है, जहाँ पर दोस्तों रोल्स रॉयस ने फाइनली गिफ्ट सिटी से उनके ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, और अभी गिफ्ट सिटी से 2 इंजन्स अकासा एयर को लीज करके उन्होंने पहली डील कंक्लूड कर ली है। दोस्तों आज से कुछ हफ्ते पहले ही रोल्स रॉयस के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि वो भारत में स्पेशली गिफ्ट सिटी से उनका जो इंजन लीजिंग का काम है वो करेंगे। शिप लीजिंग में तो भी गिफ्ट सिटी में अच्छे खासे नंबर पर कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, और ये नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इंजन्स की लीजिंग को लेकर अभी उतना काम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, लेकिन होपफुली अब स्टार्ट होता दिखाई देगा, क्योंकि रोल्स रॉयस यहाँ पर आ गई है। अकासा एयर की तरह अभी बोइंग 737-300 के एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाते हैं, जिनमें CFM लीप 1B इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी इंजन की 2 यूनिट्स यहाँ पर लीज की गई हैं। पहला डिलीवर भी कर दिया गया है, जबकि दूसरा अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ से डिलीवर कर देंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारे डिफेंस सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों हमारे यूनियन कैबिनेट के द्वारा हमारी डिफेंस फोर्सेज के 2 मेगा प्रपोजल्स को फाइनली अप्रूवल दे दी गई है, और यहाँ पर कुल मिलाकर 68,000 करोड़ रुपीज़ खर्च किए जाएंगे।
दोस्तों इनमें से एक प्रपोजल तो सबमरीन का है, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाई जाएंगी जिनको हंटर सबमरीन भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट 77 का एक हिस्सा होगा और दो यूनिट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाएंगी। 40,000 करोड़ रुपये से ऊपर यहाँ पर खर्च की जाएंगी और एक बार जब सबमरीन तैयार हो जाती है तो इनको मिसाइल्स, टॉर्पीडोज और दूसरे जो एडवांस वेपन्स हैं उन सबसे इक्विप किया जाएगा। विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। दूसरा प्रपोजल भारत और यूएस के बीच में ड्रोन डील है जिसके अंतर्गत MQ-9B ड्रोन्स की 31 यूनिट्स खरीदी जाएंगी। इसमें से 15 सी गार्डियंस वाले होंगे जो कि हमारी नेवी के लिए होंगे, जबकि 16 स्काई गार्डियंस वाले होंगे जिसमें से 8 इंडियन एयरफोर्स के लिए जबकि 8 इंडियन आर्मी के लिए होंगे। ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है जिसकी वैल्यू 28,000 करोड़ की बताई गई है और अगले कुछ ही दिनों के अंदर इसको लेकर जो फाइनल एग्रीमेंट है वो भी कंक्लूड कर लिया जाएगा। अगले दोस्तों अपडेट हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से है, जहाँ पर दोस्तों इसरो के द्वारा बहुत ही जल्द थर्ड लॉन्च पैड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाना है और इसके द्वारा वो कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले उनके जो फ्यूचर मिशंस हैं उनके लिए वो पहले से तैयार रहें। दोस्तों बेसिकली आप जानते हैं कि अभी मोस्ट ऑफ द जो हमारे इसरो के मिशन होते हैं वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए जाते हैं। अभी इसरो के पास वहाँ पर सिर्फ दो ही लॉन्च पैड्स हैं जिसमें से एक PSLV के लिए है जबकि दूसरा GSLV के लिए है। इसरो को कहना है कि जो पहला लॉन्च पैड है उसको वो GSLV के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उसके कंपेटेबल नहीं है और अभी मोस्ट ऑफ द मिशन GSLV के थ्रू लॉन्च किए जाते हैं जिसमें दूसरे लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया जाता है। रिसेंटली इसरो ने जो लॉन्च व्हीकल Mark 3 डेवलप किया है उसके लिए भी दूसरे लॉन्च पैड की री इंजीनियरिंग की गई थी। अभी इसरो कहना है कि वो आने वाले फ्यूचर मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल Mark 3 में और चेंजेस और अपग्रेडेशन करने वाले हैं जिनको आगे चलकर जब टेस्ट किया जाएगा तो ये हो सकता है कि दूसरे लॉन्च पैड पर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए और वहाँ से फिर लॉन्च करना या फिर टेस्ट करना मुश्किल बन जाए। तो ऐसे में इसरो के पास कोई चांस बचेगा नहीं कि वो कहीं और पर जाकर उनकी टेस्टिंग कर पाए। तो इसी कारण एज अ प्री प्लानिंग वो थर्ड लॉन्च पैड यहाँ पर बनाएंगे जिसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब दूसरा लॉन्च पैड खराब हो जाएगा। देखते हैं कि कब तक इसका कंस्ट्रक्शन इसरो के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के अमरावती कैपिटल सिटी प्लान को एक काफ़ी बड़ा बूस्ट मिला है क्योंकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा अनाउंस किया गया कि वो अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपीज़ के फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की मेन प्रायोरिटी यही है कि अमरावती को कैसे भी करके रिवाइव किया जाए और इसको बड़े स्केल पर डेवलप किया जाए। आंध्र प्रदेश कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने 48,000 करोड़ रुपीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का प्लान तैयार कर लिया है जिसको जल्द लॉन्च किया जाना है। फंडिंग के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट उनकी तरफ से तो कंट्रीब्यूट करेगी करेगी, साथ साथ 15,000 करोड़ रुपीज़ की फंडिंग उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली है और अब 15,000 करोड़ रुपीज़ और वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ रहे हैं। तो अगर आप कह सकते हैं कि अगर एक बार यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो फंडिंग या सच कोई बड़ा इशू नहीं होगा और काफ़ी आसानी से यहाँ पर काम हो सकते हैं अगर करे जाए तो। आंध्र प्रदेश कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि अगर सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो इसी साल दिसंबर के आसपास आपको यहाँ पर ग्राउंड वर्क स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र में बहुत जल्द एक और पोर्ट के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि GSW इंफ्रास्ट्रक्चर को महाराष्ट्र में एक नई मल्टीपर्पज पोर्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है। तो उसे मल्टीपर्पज पोर्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट के मुरबेबेली में बनकर तैयार होगी जो कि एक ओल्ड वेदर पोर्ट भी होगी। मुंबई मैरिटाइम बोर्ड के द्वारा इनको ये लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया है जिनका कहना है कि कुल मिलाकर यहाँ पर 4,259 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे इसको बनाने के लिए। एक बार जब ये तैयार हो जाती है तो इस पोर्ट से कैप्टिव बल्क और ड्राई बल्क कार्गो को हैंडल किया जाएगा। नेशनल हाईवे 8, बोईसर रोड, दिल्ली मुंबई रेल लाइन और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इस तरह के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं सबसे कनेक्टेड होगी और अभी क्योंकि लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया गया है तो आगे चलकर जब इसकी एक बार DPR पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो और चीज़ें हमें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट हमारे एजुकेशन सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों मेडिकल एजुकेशन को लेकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 10 ESIC मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल दे दी गई है और ये हमारे देश के 9 अलग अलग स्टेट्स में बनते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों अगर इनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो महाराष्ट्र के अंधेरी में, दिल्ली के बसई दारापुर में, असम के बेलटोला में, मध्य प्रदेश के इंदौर में, राजस्थान के जयपुर में, पंजाब के लुधियाना में, गुजरात के अहमदाबाद में, UP के वाराणसी और नोएडा में, जबकि एक मेडिकल कॉलेज झारखंड के रांची में भी अप्रूव किया गया है। ये तो नहीं बताया गया कि यहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट की जाएगी पर होपफुली कह सकते हैं कि अगले 3 से 4 साल के अंदर अंदर आपको ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ के अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।